Cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Okay. अच्छा चलिए रितु जी गुड मॉर्निंग, सचिन जी गुड मॉर्निंग। क्लास में रिकॉर्ड भी कर रहा हूं क्योंकि यश भाई कहीं गए हैं, तो ये क्लास में उनको भी भेज दूंगा ताकि जो आप सीख रहे हैं वो यश भाई भी सीख लें बाद में। तो मेरे ख्याल से कोई इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, है ना? नो सर। चलिए तो आपके पास दोस्तों अभी जो हम करने लगे हैं वो है बुक 16 का टेस्ट 2 है, और इसके हम 11 टू 20 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 10 क्वेश्चंस करेंगे इसमें हम। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे हाँ, पहले वाले 10 नहीं करने सर। नहीं, हमने लास्ट टाइम जो किए थे सचिन भाई, बुक 16 के टेस्ट 1 के 11 से 20 क्वेश्चन किए थे। आज हम टेस्ट 2 के 11 से 20 कर रहे हैं। पहले वाले 10 हम कर चुके हैं, पहले वाले 10 हमने 4 दिन किए, फिर हम आ गए अगले 10 क्वेश्चंस पे। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने टेस्ट 1 के 10 क्वेश्चन किए थे 11 से 20 तक। आज हम कर रहे हैं टेस्ट 2 के 10 क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। ओके, इसमें रितु जी आप आ गए हो? रितु जी आर यू देयर? चलिए कोई बात नहीं, तो सचिन जी आओ शुरू करते हैं मिलकर। जैसे 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में इसने लिखा है डार्टफील्ड हाउस स्कूल यूज्ड टू बी का मतलब है हुआ करता था, यानी ये जो हाउस स्कूल है डार्टफील्ड के नाम से, ये पहले क्या हुआ करता था? कोई टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर था, प्राइवेट होम किसी का मकान था, या कोई लोकल काउंसिल की बिल्डिंग थी? तो वो देखना है कि पहले ये जो है बिल्डिंग किस काम में आ रही थी। तो हम तीनों इंफॉर्मेशन को देखकर जो है स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ये बोलता है 13th क्वेश्चन देखो क्या है, द केटरिंग हैज बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ। केटरिंग जो है, केटरिंग का मतलब ऐसे क्या होता है, जो खाने पीने की फैसिलिटी होती है, जैसे कैंटीन वगैरह है वहां पे खाना परोसना, खाना देना, कहते हैं केटरिंग को बदल दिया गया, बदला जा चुका है। क्योंकि अब रीजन बताना है क्यों बदला है केटरिंग को। हमने पहला लॉन्ग क्यूइंग लाइंस, क्यूइंग होती है लंबी लंबी लाइनें होती थी, इसलिए बदला है केटरिंग को। दूसरा, स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया, तो यानी दूसरे बी पॉइंट में टाइम टेबल पे ज्यादा जोर दिया गया। तीसरा पॉइंट है डिससेटिस्फेक्शन विद द मेन्यूज। मेन्यू का मतलब जो उस पर लिखा होता है क्या क्या यहाँ पर खाने के लिए अवेलेबल है, तो उससे बच्चे या लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड थे। तो एक में बात हुई है उससे डिससेटिस्फेक्शन की, एक में बात हुई है टाइम टेबल की, एक में बात हुई है लंबी लाइनों की। तो हम देख लेंगे तीनों में से कौन सा फैक्टर है जिसके चलते हमने जो केटरिंग को बदला है। उसके बाद आपके पास एक 15th क्वेश्चन है, देखिएगा 15th क्वेश्चन में बोलता है, 15th क्वेश्चन में इसने बोला है व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द एग्जिस्टिंग कैंटीन। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो आज की तारीख में कैंटीन है उसके बारे में स्पीकर क्या बोल रहा है। पहला, फूड विल स्टिल बी सर्व्ड देयर, वहां पे अभी भी खाना परोसा जाएगा। दो, ओनली स्टाफ विल हैव एक्सेस टू इट। एक्सेस का मतलब होता है एंट्री, कि केवल स्टाफ के जो लोग हैं वही इस कैंटीन में जा सकते हैं। और सी, पुपिल्स कैन टेक फूड इनटू इट। पुपिल्स का मतलब है स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं। और फूड, देयर फूड का मतलब घर से जो लेकर आते हैं, टिफिन जो लेकर आते हैं। तो देखो, एग्जिस्टिंग कैंटीन का मतलब है जो हाल फिलहाल कैंटीन है उसके बारे में इसने क्या कहा है। पहला, वहां पे आगे भी खाना मिलता रहेगा। दूसरा, वहां पे केवल स्टाफ जा सकता है। और तीसरा, बच्चे अपना टिफिन भी लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक में बच्चों की बात है, एक में स्टाफ की बात है, और एक में खाना मिलने की बात है। तो तीनों ऑप्शन अपने को क्लियर है, उसके बेसिस पे हम आंसर जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, 16 to 18 क्वेश्चन में आइए। 16 to 18 क्वेश्चन में आपको क्या बताया है, What comment does the speaker make about each of the following serving points in the food hall? Serving points का मतलब समझो, जैसे मान लो आपका एक बड़ा सा हॉल है जहां पे खाना परोसा जाता है। जैसे आप कभी हॉस्टल में रहे हो, मेस में रहे हो, या आपने सपोज करो गुरुद्वारे में कहीं खाना खाया, तो वहां पे तीन चार अलग अलग जगह है, कहीं पे सब्जी मिल रही है, किसी अलग जगह पे रोटी मिल रही है, किसी अलग जगह पे चाय मिल रही है। तो अलग अलग जगह को बोलते हैं सर्विंग पॉइंट, जहां से लोगों को खाना सर्व हो रहा है।
तो कहते हैं उसके बारे में क्या कमेंट किया है स्पीकर ने, मतलब कमेंट मतलब क्या बात करी है। अब 16 17 18 क्वेश्चन में लिखा है फूड अवेलेबल एट सर्विंग पॉइंट्स इन फूड हॉल। अब यहाँ पर इसने खाने की बातें, खाने की आइटम्स दी है। पहला है वर्ल्ड एडवेंचर्स, ये कोई खाने की आइटम का नाम है। स्ट्रीट लाइफ, ये भी कोई खाने की चीज है। स्पीडी इटालियन, ये भी कोई खाने की आइटम का नाम है। और कमेंट्स में लिखा है ए पुपिल्स हेल्प टू प्लान मेन्यूज, कहता है इसमें बच्चे मदद करने में मेन्यू ये वाला बनाओ। तो देखना है 16 17 18 में से ऐसा कौन सा खाना है जिसमें बच्चों की हेल्प से मेन्यू जो है तैयार होता है। बी वेजिटेरियन फूड, केवल इसमें ओनली वेजिटेरियन फूड है, वो देख लेंगे कौन सा स्ट्रीट वाला है, स्पीडी इटालियन है। सी डिफरेंट फूड एवरी वीक, सी ऑप्शन में बोलता है हर हफ्ते आपको अलग से अलग खाना जो है वो मिलेगा। डी में बोलता है डेली चेंज इन मेन्यू, इसमें बोलता है कि आपको हर दिन नई चीज मिलेगी। तो हर दिन नई चीज का मतलब है रूटीन में रेगुलर आपको नई नई चीजें मिलेंगी, वो देखना है 16 17 18 में से क्या है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप करेंगे तो आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। अब आते हैं 19 और 20 क्वेश्चन में। 19 और 20 क्वेश्चन में दोस्तों इसने क्या बताया है, ये बोलता है विच टू ऑप्शनल आफ्टर स्कूल लेसन्स आर न्यू। आफ्टर स्कूल का मतलब है स्कूल खत्म हो गया उसके बाद आपको ये चीजें सिखाएंगे, लेसन्स का मतलब होता है इसकी क्लास मिलेगी आपको, तो न्यू का मतलब है ये अभी आपको नई देने लगे। यानी पांच ऑप्शंस इसने लिखे हैं, स्विमिंग, पियानो, एक्टिंग, साइकिलिंग, थिएटर, साउंड एंड लाइटिंग। पांच में से कोई दो या तीन ऑप्शन ऐसे हैं या तो जो पहले से ही मिल रहे हैं या जो अभी सोच रहे हैं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो अभी अभी आपको मिलना शुरू हुए हैं या हो रहे हैं। तो स्विमिंग, अगर ये कह रहे हैं स्विमिंग तो आपको दो साल से मिल रही है तो ये तो क्रॉस लग गया। कहते हैं पियानो तो आपको पांच साल से मिल रही है तो क्रॉस लग गया, क्योंकि हमने वो दो चीजें बतानी है जो अभी नई नई बच्चों को स्कूल के बाद सिखाने लगे हैं। मेरे ख्याल से तो सचिन आपको समझ आ रहा होगा, है ना, क्वेश्चन क्या है। यस सर। और इनको आप, ये केवल आपके 10 क्वेश्चन होमवर्क है, बेशक लिख लीजिए होमवर्क क्या है। और बुक 16 है, 16वां कैम्ब्रिज का बुक है ये, टेस्ट नंबर 2 है आपका। और इसमें 11 टू 20 क्वेश्चंस जो हैं आपने परफॉर्म करने हैं, 11 टू 20 क्वेश्चंस आप परफॉर्म करेंगे तो आप उनके आंसर्स या तो मुझे शेयर कर सकते हैं या आप टैली कर सकते हैं मुझे। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप इस वीडियो को दो तीन बार देखेंगे, मैं क्लास के बाद ये वीडियो आपसे भी शेयर कर दूंगा, तो मुझे लगता है आप ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रीडिंग पर। रीडिंग जो है हम थोड़ी सी इजी रीडिंग कर रहे थे, और मतलब जो हमारी यूनिक की रीडिंग है हम उस पे थे, आयल्स रीडिंग मटेरियल, यूनिक बुक। फर्स्ट हमने रेंडियर वाला, नहीं रेंडियर से नेक्स्ट कर लिया था शायद, फॉरन पाथ करा था, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। नहीं सर मैं देखता हूँ। हाँ जी सर, ये किया था ट्रेडिंग दी फॉरगेनिया पाथ। जी जी फॉरन पाथ बोलते हैं इसको छोटे भाई। और आ गया बस ट्रेडिंग द फॉरन पाथ के बाद, अब अगला आज का जो हमारा पैसेज है वो है बैटरी ऑफ लाइफ। बैटरी ऑफ लाइफ, जी जी बैटरी ऑफ लाइफ पर आज हम बात करेंगे। बैटरी ऑफ लाइफ में जैसे हम लोग गाड़ियों में बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स में बैटरी यूज करते हैं और बाइक्स में बैटरी यूज करते हैं, बहुत सारी घर में मशीनें हैं जैसे अपना रिमोट कंट्रोल है उसमें भी बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, तो इन्वर्टर बैटरी तो है ही। तो ये बैटरी के बारे में ही दे रखा है कि बैटरी को कैसे खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, बैटरी में क्या क्या खास बात देखनी चाहिए, बैटरी में ऐसी क्या चीजें जो आपको अच्छे से जो है मेक श्योर करनी चाहिए। मेक श्योर का मतलब है पक्का करना चाहिए कि ये ठीक बैटरी है, नहीं है, ब्रांडेड लेनी चाहिए। अच्छा बैटरी को मेंटेन कैसे रखते हैं, पानी वानी उसमें चेक कैसे करते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई किसी मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं आई, ये सब चीजें इसने यहाँ पर बताई हैं। बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और पेज 55 पे जब आप आओगे तो पेज 55 पे इसने आपको यस नो और नॉट गिवन के क्वेश्चंस दिए हैं। यस नो नॉट गिवन के क्वेश्चंस का मतलब होता है जो आपको क्वेश्चन 14 में इसने दिया, अगर वो चीज आपके पैसेज में भी है तो इसका आंसर यस है, और अगर वो आपके पैसेज में नहीं है तो इसका आंसर नो है, और अगर वो आपको दे ही नहीं रखी है तो आपका नॉट गिवन है। नो तब है जब क्वेश्चन 14 में जो दे रखा है उसे अपोजिट दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं सर। मान लीजिए सचिन भाई और रितु जी, हम 14 क्वेश्चन करते हैं। देखो 14 क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन लोकली मेड बैटरीज बिकॉज दे ब्रेक डाउन इजिली।
सर मशीनें जब काम करना बंद कर देती है तो उनको बोलते हैं ब्रेक डाउन, मशीनें जब काम करना बंद कर देती है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। कहते हैं लोकल जो बैटरी है, लोकल का मतलब है जैसे किसी भी छोटी मोटी फैक्ट्री में बन रही है, कोई प्रॉपर ब्रांड नहीं है, तो उन पे हम रिलाय, रिलाय का मतलब होता है विश्वास करना। कहते हैं हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत आसानी से काम करना बंद कर देते हैं, मतलब खराब हो जाती है। आओ जरा चेक करते हैं, 14 क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है इस मैसेज का, तो चांसेस इस बात के हैं कि पहले ही पैरे में ये मिलेगा। आओ पहला पैरा पढ़ते हैं एक बार, बैटरी ऑफ लाइफ पैसेज का। पहले पैरे में इसने आप देखेंगे फर्स्ट लाइन छोड़ दो, सेकंड लाइन छोड़ दो, तीसरी लाइन छोड़ दो, चौथी लाइन में कुछ इसने बोला है। कहता है सो, इस सो का मतलब है इसलिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ा जरूरी है टू हैव अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग बैटरी विद अ नोन ब्रांड नेम। कहता है बड़ा जरूरी है आपके पास एक अच्छी मजबूत बैटरी हो जिसका ब्रांड नेम हो, जिस एक्साइड है या आपका जो है ल्यूमिनस है या और भी कई सारी ब्रांड्स हैं। कहता नॉट द वन, कहता वो नहीं लेनी आपने जो लोकल बन रही है, जैसे मनी माजरा। मनी माजरा एक आपका चंडीगढ़ के आसपास एक जगह है वहां पर, कहता है, और बेसमेंट का मतलब होता है नीचे जो बिल्डिंगों के गोदाम वगैरह होते हैं, बेसमेंट जो होते हैं नीचे की मंजिल होती है उसको बोलते हैं बेसमेंट। कहता है आपने कोई ब्रांडेड बैटरी लेनी है, कोई ऐसी बैटरी नहीं लेनी जो कहीं भी बैठ के जो है उसको लोकल तरीके से बना रहे हैं। कहता है सच बैटरीज आर चीपर, सच का मतलब होता है इस तरह की बैटरी सस्ती तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये लंबी नहीं चलती। लास्ट लॉन्ग का मतलब होता है लंबा चलना, तो ये लास्ट लॉन्ग नहीं करती है, ये लीक भी करती है, इनमें जंग भी लगता है और ये रिलायबल नहीं है। तो बिल्कुल यही चीज तो उसने वहां बोली थी। कहता भाई आप ना रिलाई नहीं कर सकते, 14 क्वेश्चन में देखो क्या था। कहता लोकल मेड बैटरी पे आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी भी आपकी जो है खराब हो सकती है, यही बात इसने पैसेज में कह दी। तो इसका मतलब ये तो आंसर यस जा रहा है। एक क्वेश्चन लगे आप और कर लेते हैं, जैसे आपका 15वां क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन में देखो, 15th क्वेश्चन में देखो इसने क्या लिखा है। कोल्ड टेम्परेचर्स आर गुड फॉर बैटरी, कोल्ड टेम्परेचर जो है बैटरी के लिए अच्छा है, यानी कि हमने अब इसमें कीवर्ड देखो क्या मिले, कोल्ड टेम्परेचर। अब ये देखेंगे कोल्ड टेम्परेचर वाली बात कहाँ पर है, और जहां पर कोल्ड टेम्परेचर लिखा होगा वहां पर हम ये चेक करेंगे ढूंढने के बाद एक बार कोल्ड टेम्परेचर को कि क्या ये बैटरी के लिए अच्छा है या बुरा है। आओ चेक करते हैं एक बार, फर्स्ट पेज पे ही आते हैं क्योंकि दूसरा ही क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए एक बार, फर्स्ट पैराग्राफ में तो हमने आंसर ढूंढ लिया, सेकंड और पैराग्राफ में सेकंड देखिए। पैराग्राफ में लास्ट की लाइन में सर हाँ सेकंड पैराग्राफ में, ये थर्ड पैराग्राफ में, सॉरी भाई मेरे, थर्ड पैराग्राफ में इसने लिखा है विंटर इज अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है आ रही है, विंटर का मतलब होता है सर्दियां, एंड कोल्ड टेम्परेचर्स आर हार्ड ऑन बैटरी। कहते हैं कोल्ड टेम्परेचर जो बैटरी पे है वो बड़ा मुश्किल रहता है, सख्त रहता है। वहां क्वेश्चन में लिखा है कोल्ड टेम्परेचर उसके लिए इजी है, यहां बोलता है कोल्ड टेम्परेचर उसके लिए हार्ड है। अब देखो 15th क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था, कोल्ड टेम्परेचर तो अच्छा है बैटरी के लिए, पैसेज में बोल रहा है कोल्ड टेम्परेचर तो बड़ा मुश्किल है बैटरी के लिए। तो ये तो दो अलग अलग बातें होंगी, अपोजिट बातें होंगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि भाई ये तो नो है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया है उससे ठीक अपोजिट इसने पैसेज में दे रखा है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं नो। 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं, आपको करने के लिए छोड़ता हूँ। रितु जी आप आ गए हैं? हाँ जी सर, हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा। चलिए ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं 20 से 23 क्वेश्चंस पे। 20 से 23 जो क्वेश्चन है इनको हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको इसने पैसे से छोटा सा 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ दे दिया, कुछ कुछ वर्ड बीच में से गायब कर दिए, और जो ये वर्ड्स गायब हुए हैं इनको हमने पैसेज में जाके देखना है ये मैटर कहाँ पे दे रखा है, ये बात कहाँ पे बता रखी है, और वहां कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे 20वां क्वेश्चन मैं आपके साथ मिलकर करता हूँ, 20वां क्वेश्चन हम करते हैं सर। इस मैं शुरू से ही पढ़ रहा हूँ, केयरिंग योर बैटरी, कहता अपनी बैटरी की केयर कैसे करते हैं। देर आर मेनी थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल डिसाइडिंग द बैटरी फॉर योर व्हीकल। कहता बहुत सारी चीजें हैं जब आप बैटरी लेकर आते हो तो आपको अपने अपनी गाड़ी के लिए बैटरी लेकर आते हो तो अपने दिमाग में रखनी चाहिए। कहता पहला, फर्स्टली सबसे पहली बात तो है इट शुड बी डैश एंड मेड बाय ए पॉपुलर कंपनी। कहता एक तो है क्या होनी चाहिए वो देख लेंगे। अब इसमें आमतौर पर चांसेस इस बात की खासियत आएगी, भाई ये बैटरी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए, और कहता कोई पॉपुलर कंपनी जैसे एक्साइड है या आपकी ल्यूमिनस है, कोई अच्छी कंपनी के द्वारा ही, आपकी माइक्रोटेक भी हो सकती है, कहता कोई अच्छी कंपनी पॉपुलर कंपनी इसको बनाए। अब हम पैसेज में ढूंढेंगे कि ये बात इसने कहाँ दे रखी है कि बैटरी जब भी आप अपनी गाड़ी के लिए लो तो वो कैसी होनी चाहिए, वो तो आंसर आ गया 20वें में, और कोई पॉपुलर कंपनी का होना, सॉरी पॉपुलर कंपनी का बैटरी जो है वो होना चाहिए। ये तो पहले पैरा में ही लग रहा है क्योंकि पहले पैरे में भी इसने यही कहा था। देखो
कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग बैटरी, तो स्ट्रॉन्ग आंसर आ सकता है कि बैटरी कैसी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि विद ए नॉन ब्रांड नेम, यहाँ ब्रांड नेम लिखा है वहां पे पॉपुलर लिखा है, पॉपुलर और ब्रांड नेम एक ही बात है। इसने पैराफ्रेज किया, पैराफ्रेज का मतलब होता है एक ही लाइन को अलग तरीके से लिखना, मीनिंग सेम है। यहाँ इसने कह दिया भाई जब भी तुम अपनी गाड़ी के लिए बैटरी लेते हो तो एक अच्छी मजबूत बैटरी लो और कोई बढ़िया कंपनी की लो, लोकल बैटरी लेने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे देखो इसने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज यूज करी है, कहता है जब आप अपनी गाड़ी के लिए या व्हीकल के लिए बैटरी लेते हो तो बड़ी सारी चीजें देखने, पहली वो एक क्या होनी चाहिए और पॉपुलर कंपनी की, तो हम यहाँ पे लिखें इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर मेरे पास स्ट्रॉन्ग आ गया। और 21वें क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, 21वें क्वेश्चन में बोलता है अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है इग्नोर करो, परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना, कहता है इग्नोर करो खरीदना डैश बैटरी, कौन सी बैटरी को इग्नोर मारना है, बैटरी एज दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग का मतलब होता है लंबा चलना, कोई चीज जैसे हम बोलते हैं ना भाई कितने साल चलेगी, कोई चीजें लंबी चलती है उनको बोलते हैं लास्ट लॉन्ग, नहीं चलते उनको बोलते हैं डू नॉट लास्ट लॉन्ग। तो अब कौन सी बैटरियों को बोल रहा है भाई आपने मना कर देना है, धुतकार देना है, आओ देखते हैं। वहीं पर चल रहा था ये मैटर पहले पैराग्राफ में, देखो पहले पैराग्राफ में इसने बोला नॉट द लोकली मेड, कहता है जो लोकल बन रही है घर घर बैठ के लोग बना रहे हैं बैटरियों वो मत खरीदो, उनकी कोई जिम्मेवारी कोई गारंटी नहीं है। तो अब आंसर आया लोकली मेड, पर लोकली मेड तो दो वर्ड है, लोकली एक वर्ड है, मेड अलग वर्ड है, पर देखो इंस्ट्रक्शंस में इसने साफ साफ लिखा है नो मोर देन टू वर्ड्स, यानी दो वर्ड तक आंसर मेरा जा सकता है। तो मैं यानी कि 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकता हूँ, लोकली मेड, बस। तो 20-21 क्वेश्चन मेरा हो गया है, 22-23 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसके बाद 24 25 और 26 इन क्वेश्चंस को बोलते हैं दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तीन या चार उसमें ऑप्शंस रहते हैं, जैसे इस केस में चार ऑप्शंस है, वैसे आमतौर पे तीन भी रहते हैं चार भी रहते हैं, चार में से करेक्ट आंसर आपने ढूंढ निकालना है। देखते हैं जैसे इसमें एक हम लगाते हैं टेक्निक लगाते हैं 25वां क्वेश्चन, सचिन भाई एक बार 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन मतलब हेडिंग हेडिंग पढ़ दो, क्या है सचिन जी सर, ऑप्शन ऑप्शन 25वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ दो केवल, जी सर, इन दी एनल्टीमेट पेनल्टीमेट पैराग्राफ दी रॉइटर इम्प्लाइज। इंप्लाइज, इसका मतलब समझो पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट वाले से पहले वाला पैरा, जिसको बोलते हैं सेकंड लास्ट, कहता है सेकंड लास्ट पैरा में राइटर इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब राइटर क्या क्या मतलब है, राइटर का इम्प्लाइज का मतलब क्या राइटर बताना चाह रहे क्या मतलब है। एक ऑप्शन अभी नहीं पढ़ते हम, ऑप्शन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले हम पढ़ते हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ, उसको पढ़ के देखते हैं वहां से क्या निकल के आ रहा है। आज कभी भी ऑप्शन पहले मत पढ़िए, ऑप्शन पढ़ने का मतलब आप पजल हो जाओगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में से एक दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आंसर भी नहीं है और दिमाग भी आपका जो है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट में आते हैं, कहता है ओपनिंग द प्लग ऑन द, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, ओपनिंग द प्लग ऑन द टॉप ऑफ द बैटरी शुड बी डन विद केयर, आपने देखा होगा बैटरी के एक साइड में प्लग लगे होते हैं जहां पे मोटी मोटी तारें लगती हैं, कहता है उसको बड़े ध्यान से आपने प्लग को खोलना है, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ऑफ हाइड्रोजन, कहता है सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से हाइड्रोजन निकलती है और हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ती है, आग पकड़ने वाली चीज को बोलते हैं इनफ्लेमेबल, यानी पहले सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से हाइड्रोजन निकला उसने फिर आग पकड़ी है। ओके तो कहता है इसलिए, सो का मतलब है इसलिए, कोई सिगरेट कोई खुले में चिंगारी या कोई स्पार्क उसके पास नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हाइड्रोजन आग पकड़ लेगा। ब्रैकेट होल्डिंग द बैटरी इन प्लेस शुड बी सिक्योर्ड फर्मली, जो ब्रैकेट्स लगे होते हैं उनको अच्छे से मजबूत तरीके से रखना चाहिए। लूज बैटरी, कहता है अगर बैटरी लूज होगी तो उसमें जो है आवाज होगी वो वाइब्रेट करेगी, वो हिलेगी भी, वो हिलडुल करेगी, और वो बोनट जो है मेटल का उसको टच करेगी, बोनट का मतलब जो नीचे उसका वो है बॉडी है, कहता है उससे शॉर्ट सर्किट भी होगा। तो दो तीन बातें इसमें से समझ में आई हैं कि भैया एक तो आपको बैटरी की ओपनिंग अच्छे से करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन निकलता है जो आग पकड़ता है उसका ध्यान रखना है, कोई चिंगारी वगैरह नहीं रखनी और लूज बैटरी नहीं रखनी क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये दो तीन बातें समझ आई हैं, अब एक बार ऑप्शंस पे आओ 25वां। पहला सल्फ्यूरिक एसिड इज इनफ्लेमेबल, ये लग रहा है आंसर हो सकता है पर है नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन निकलता है वो इनफ्लेमेबल है, इसने हाइड्रोजन गायब करके क्वेश्चन को पजल कर दिया और बच्चा ज्यादा चांस है ए ऑप्शन लगाएगा, लेकिन आप पैसेज में जाके दोबारा पढ़ना, सल्फ्यूरिक एसिड इनफ्लेमेबल नहीं है, इनफ्लेमेबल है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो आग पकड़ता है। दूसरा
लूज बैटरी एमिट्स हाइड्रोजन, ये भी गलत है। खुली बैटरी हाइड्रोजन नहीं छोड़ती, हाइड्रोजन तो सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ता है। मतलब इसने ए और बी ऑप्शन में शब्दों में ही आपको पजल कर दिया, ना ए आंसर है ना बी, सी पे आते हैं। ए बैटरी दैट इज नॉट अटैच्ड फॉर्मली कैन लीड टू शॉर्ट सर्किट, ये हो सकता है। कहता है अगर आपने बैटरी को अच्छे से बंद नहीं किया तो वो हिलेगी, वो वाइब्रेट करेगी और वो शॉर्ट सर्किट पकड़ लेगी। डी स्मोकिंग सिगरेट व्हाइल ओपनिंग द बैटरी इज डेंजरस, ये भी हो सकता है। उसने बोला है कि जब आपको आपकी बैटरी जो है खुली हुई है उस समय आप जो है सिगरेट पी रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। अब मेरे ख्याल से उसने स्मोकिंग सिगरेट की बात तो नहीं करी, उसने ये बात करी थी आपके वहां पे उस समय क्या नहीं होना चाहिए, सिगरेट नहीं होनी चाहिए, फ्लेम नहीं स्पार्क, सिगरेट पीने की बात नहीं करी, खाली सिगरेट की बात करी है। पर ये जरूर बात करिए अगर लूज बैटरी होगी तो वो हिल के उसमें शॉर्ट सर्किट होगा, तो इसमें सी ऑप्शन जो है मेरा जा रहा है। डी क्यों नहीं जा रहा, उसने धुएं की बात करी है, पर स्मोकिंग का मतलब धुआं फैलाना, सिगरेट पीते हुए पीने की बात तो नहीं करी है। तो यहां पर सचिन जी और रितु जी आंसर जो है वो जा रहा है 25। सचिन भाई रितु जी समझ पा रहे हो आप मेरी बात? यस सर। तो आपको अच्छा सबसे मजे की बात यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्लास मैं आपके व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा, आप इसको दो बार तीन बार जब वीडियो के तौर पे देखेंगे जो जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो सब आपको दोबारा तिबारा मिलेगा तो आपको और समझ आ जाएगा। तो आपका होमवर्क जो है आज का रीडिंग का क्या है, ये वाला पैसेज आपने करना है। ये थोड़े इजी पैसेज है, पेपर में थोड़ा सा इससे हायर लेवल का आता है, पर पहले इसमें अगर अपने को पकड़ होगी, इसमें अपने को कॉन्फिडेंस होगा तो कैम्ब्रिज के जो पैसेजेस हैं जो एग्जाम लेवल के वो भी हम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि पैसेज बड़े वो भी इतने ही होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा उनमें सेंटेंस थोड़े से हाई लेवल के, पर वो भी हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो आप चाहो तो अपना होमवर्क लिख सकते हो, लिसनिंग का होमवर्क है, बुक 16 का टेस्ट नंबर 2 है, 11 से 20 क्वेश्चन है, और रीडिंग का आपका जो पैसेज है वो पेज नंबर 53 पे है, और पैसेज का नाम है बैटरी ऑफ लाइफ, बैटरी ऑफ लाइफ पैसेज आपने कर लेना है। तो मैं अभी यहाँ पर एक बार के लिए तो रुक रहा हूँ और पॉज देके मतलब मीटिंग को एंड करके मैं दोबारा आ रहा हूँ। राइटिंग और स्पीकिंग की क्लास भी मैं रिकॉर्ड करूंगा ताकि यश भाई आज एब्सेंट है, उनको उनका एक दिन खराब ना हो, और अब मैं आगे से कोशिश किया करूंगा जब भी कोई बच्चा एब्सेंट हो क्लास रिकॉर्ड करूँ, ताकि कोई एब्सेंट है तो उसकी क्लास मिस ना हो, उसको बाद में वो क्लास मिल जाए और वो उसको उसको स्टडी करे। तो मैं अभी रितु जी और सचिन भाई अभी आता हूँ मीटिंग को एंड करके, और फिर इसी आईडी पर हम अपना जो राइटिंग और स्पीकिंग है वो कंटिन्यू करते हैं। चलिए।